चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधेशक न्यूज। अंधेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी जो रखे आपको हर पल अपडेट। अंधेशक शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। अंधेशक शिक्षा मित्रों को अब नहीं करनी पड़ेगी बीएलओ की ड्यूटी। दूसरा समाचार, टेट पास प्राइमरी और नॉन टेट पास प्री प्राइमरी में होंगे समायोजित। अब अंधेशक और शिक्षा मित्र बिना किसी विघ्न के बच्चों को मन लगाकर पढ़ा सकेंगे विद्यालयों में। अब नहीं करनी होगी उनको बीएलओ की ड्यूटी। ये समाचार इस समय प्राइमरी का मास्टर न्यूज़ होम पेज पर वायरल हो रहा है। बीएलओ की ड्यूटी से शिक्षक शिक्षा मित्र व अंधेशकों को मिल रहा नगर निकाय के निर्वाचन नामावलियों में नाम दर्ज कराने एवं गलत नामों को काटे जाने के लिए निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता के निर्देश पर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों शिक्षा मित्रों अंधेशकों की ड्यूटी बीएलओ के लिए लगाई गई थी। प्रशिक्षण शुरू होने के पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बीएलओ के पद पर शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के लिए ज्ञापन दिया था। संगठन की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर हवाला दिया गया था। एसडीएम सदर ने बीएलओ की ड्यूटी से शिक्षकों शिक्षा मित्रों और अंधेशकों को हटा दिया है। साथियों ये खबर आ रही है निर्वाचन आयोग के आदेश पर एसडीएम सदर ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों शिक्षा मित्रों अंधेशकों को नगर पालिका के वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने घटाने आदि के लिए वेलो बनाया था। जिले स्तर पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन देकर शिक्षकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्ति कराने की मांग की थी। संगठन की ओर से हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया गया था जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य ना लिए जाएं। संगठन ने जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन से मिलकर बीएलओ से मुक्त किए जाने की वार्ता की थी। इसके बाद एसडीएम सदर चंद्र प्रकाश पाठक से मिलकर बीएलओ कार्य मुक्त कराने मांग को ध्यान रखते हुए और कोर्ट के आदेश को ध्यान रखते हुए माननीय जिलाधिकारी ने मुक्त कर दिया है बीएलओ ड्यूटी से। एक और बड़ा समाचार शिक्षक भर्ती अपडेट ग्रुप से आ रहा है जिसमें पुनीत केसरी ने कहा है शिक्षा मित्रों को दो भाग में बांटने की तैयारी, यानी कि टेट पास को प्राइमरी और नॉन टेट पास को प्री प्राइमरी। जैसा कि पहले से ही ये समाचार चल रहा है हर तरफ सोशल मीडिया पर, और नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी अगर किया जाएगा तो यही होगा। जो टेट पास हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन हैं उनको प्राइमरी में, और जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है यानी नॉन टेट पास है उनको प्री प्राइमरी में समायोजित किया जा सकता है। ये खास वायरल समाचार देख रहे थे आप अंधेशक न्यूज़ पर। जी हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं अंधेशक न्यूज़ की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ दोनों आवाज़ें शासन और प्रशासन तक पहुँचें और आपकी मांगें पूरी हों, क्योंकि आपके सपने पूरे होंगे हमें बेहद खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।